गूगल पे मैंने सर्च किया कि भाई साहब विच सेक्टर विल ग्रो इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्या क्या चीजें आई। देखो दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा भी आपको क्या क्या चीजें आ रही यहाँ पे। आ रही है कि भैया देखो, हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री, ये सब हमारे क्या है भैया, ये हमारे सब सेक्टोरियल्स फंड है। क्या है? सब सेक्टोरियल्स। आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएंगे ना सेक्टोरियल्स, यानी इन सेक्टर्स का इन फ्यूचर होने वाला है। हो सकता है, देखो यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेक्टोरियल्स फंड्स में ना बहुत ज्यादा, अगर मान लो फ्यूचर खराब हो गया ना, तो बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदे सेक्टर्स हैं जिनका फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिना इसके हमारी इकोनॉमी नहीं रन करने वाली। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे हम इन्हीं सेक्टर्स में से एक ऐसे सेक्टर्स, सेक्टोरियल फंड्स के बारे में जहां पे आप पैसे को लगा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उन सेक्टर्स में आप ऐसा नहीं भैया कि जो काम की पैसे हैं वो लगाओ, नहीं, जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड में बहुत सारे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ आप चाह रहे हो कि एक्स्ट्रा एक इन्वेस्टमेंट कर दें, तो भैया ये सेक्टर सेक्टोरियल फंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा फंड साबित होने वाला है। हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस फंड का जो नाम है ना वो जबरदस्त है, एसबीआई का फंड है भाई, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है फंड, और एनर्जी सेक्टर्स का मैंने ऑलरेडी दिखाया कि एनर्जी सेक्टर्स का जो है वो फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है, तो एनर्जी सेक्टर्स का फंड है एसबीआई का। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी अगर इक्विटी की बात करें, ध्यान दीजिए, तो लगभग 85.74% जो पैसा है ना वो कहाँ जा रहा है भैया? इक्विटी में, यानी शेयर मार्केट के अंदर। डेप्ट मार्केट के अंदर कितना जा रहा पैसा? तो लगभग 8% करीब डेप्ट मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड अदर जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी मैं कुछ बात करूं कि कहाँ पैसे जा रहे हैं आपके, तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि जेंट और लार्ज कंपनी लगभग यहाँ पे 50%, लगभग यहाँ पे देखें अगर तो 63% करीब ना, लगभग 63%, 40-60-73% करीब पैसा आपका, 73% करीब पैसा आपका लार्ज कैप पे जा रहा है, यानी कि टॉप 100 कंपनियों में पैसे जा रहे हैं इस सेक्टर्स के, टॉप 100 कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि खराब कंपनियों में पैसे जा रहे हैं, टॉप 100 कंपनियों में आपके पैसे जा रहे हैं भाई। और इन सेक्टर्स का फ्यूचर्स होने वाला है, तो भैया आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो ये सेक्टोरियल्स फंड एक बेस्ट फंड साबित हो सकता है फ्यूचर्स में। आप वो पैसे मत लगाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एक उम्मीद वाला पैसा लगा के रखो भैया, नहीं, कि मैं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके लिए आपके लिए बहुत सारे फंड्स हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप रिस्क लेने के दमखम रखते हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए फंड थोड़ा सा बढ़िया साबित हो सकती है अगर आपका लक्ष्य दे दिया तो। क्योंकि इन फ्यूचर्स में जबरदस्त इसका एक डिमांड जो है ना वो जबरदस्त डिमांड होने वाला है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके सेक्टर्स देखिए सर, एनर्जी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पैसे लगभग 64% करीब पैसा, क्योंकि भाई एनर्जी सेक्टर से तो जा रहा है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स में भी पैसे जा रहे हैं, मेटेरियल्स में भी जा रहे हैं, फिनेंस और केमिकल्स में भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। यानी 64% पैसा इन एनर्जी सेक्टर्स में, कैपिटल में 12.17% करीब, मटेरियल्स में 5%, फिनेंस में 1.63%, केमिकल्स में 1.52% और अदर्स में 15% पैसे जा रहे हैं। यानी ठीक ठाक इसका जो है वो है, पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है। कंपनी की बात करें टॉप कंपनियों की, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री, एनटीपीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोनेट एलएनजी, एनर्जी सेक्टर्स में कि मैक्सिमम एनर्जी सेक्टर्स में कोल इंडिया, पावर ग्रिड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट्स, हाईटेक एनर्जी। यानी भाई साहब, इन टॉप कंपनियों के लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए तो आपको लगेगा ओहो, मस्त कंपनी भाई, मस्त बिंदास आपको देने वाला है रिटर्न्स। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि
इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.5% से भी कम है। यहाँ पे देखिए लगभग 7.4 करोड़ के करीब इसकी फंड साइज भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि खराब फंड साइज है, और क्यों मैं बोल रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ, इतना फंड साइज होने के बाद देखो नो लॉक इन पीरियड है। और आपका जो है ना, देखिए कब आया था भैया, 6 फरवरी को लॉन्च हुआ है 2024 के अंदर, यानी इसी साल ये फंड लॉन्च हुआ है, इसी साल फंड लॉन्च हुआ है, और 7-8 हजार करोड़ के करीब इसकी फंड साइज हो गई है। तो आप जरा अनुमान लगाइए कि इस फंड के साइड, इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर कितनी पोटेंशियल है। निफ्टी एनर्जी टीआर में बिलोंग करता है फंड, और वही रिटर्न 15% वाला ही है, 15% आपको 50 देने होंगे। इसमें आप SIP 500 का SIP कर सकते हैं, लमसम 5,000 कर सकते हैं। 15% का इसमें आप टैक्स दे सकते हैं 1 लाख के ऊपर 1 साल के अंदर अगर रिडीम करते हैं तो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा वो 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा 1 साल के बाद अगर आप इस पे पैसे निकालते हैं, रिडीम करते हैं, तो उस पे आपको 10% का चार्ज देना होता है। और इस चैनल पे इस तरह के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट किए जाते हैं सर, तो आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।